Hello friends, welcome to Aisha's Blogs. Please like this video and subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. आज मैं बनाऊंगी बैंगन के पकौड़े। इसके लिए सबसे पहले मैंने बैंगन को स्लाइस करके काट ली और साथ में हम लेंगे बेसन, नमक, बेकिंग पाउडर, जिंजर गार्लिक की पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, धनिया की पाउडर। अब मैं स्लाइस किए हुए बैंगन को थोड़ी नमक में लेके कुछ देर रख दूंगी। अब मैं बाउल के अंदर बेसन, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया की पाउडर, बेकिंग पाउडर, जिंजर गार्लिक की पेस्ट सब कुछ एक साथ देके अच्छी तरह मिलाऊंगी। अब मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इस बैटर को ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा पतला नहीं करना है, ठीक इस तरह करना है। बस तैयार हो गई मेरी बैटर। अब मैं ऑयल गरम कर ली। अब मैं बेसन के अंदर बैंगन के पीस को ऐसे डुबो के एक एक करके फ्राई कर लेंगे। एक साइड ब्राउन होने के बाद मैं दूसरी साइड पलट रही हूँ। दोनों साइड अच्छे से ब्राउन होने तक धीमी आंच में पकाना है। बस तैयार हो गए हमारी बैंगन के पकौड़े। अब मैं एक सर्विंग डिश में इसको सर्व करूंगी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार है। आप लोग घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।